हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल व्लॉग्स विद काजल। एक्चुअली मैं आज भुवनेश्वर जा रही हूँ, सोचा कि आपको भी थोड़ा घुमा लूँ। हमारा एरिया उड़ीसा का भुवनेश्वर, जो कि मेन प्लेस है भुवनेश्वर का, घूमने का प्लेस है। और बारिश भी स्टार्ट हो गया है, हम बाइक में अभी जा रहे हैं। आपको आज घुमाती हूँ भुवनेश्वर, मेरे साथ देखिए। हो रही है, गाड़ी को अभी थोड़ा खिला रहे थे, बहुत भूख लग रहा था गाड़ी को, इसीलिए थोड़ा रुके थे उसको खिलाने के लिए। अभी जा रहे हैं, बारिश स्टार्ट हुआ है, इतना जोर से नहीं हुआ है, फिर भी थोड़ा थोड़ा इधर मेरे ग्लास में देख रहे हैं ना, पानी आ रहा है। कब से नहीं गई थी भुवनेश्वर, क्योंकि लॉकडाउन हो गया था, तो उसके बाद फिर बंद था बहुत दिन तक। अभी ओपन हुआ है तो सोचा थोड़ा सा घूम के आ जाऊँ, थोड़ा आपको भी थोड़ा दिखा लूँ हमारा ट्विन सिटी। तो मेरे साथ एंजॉय कीजिए और देखिए कैसा लग रहा है, कमेंट में जरूर बताइएगा हमारा सिटी। चलिए
अभी आपको एक रिवर देखने को मिलेगा जिसका नाम है दया रिवर, जिसका लिंक एक हिस्टोरिकल प्लेस के साथ कनेक्ट है, मतलब हिस्ट्री के साथ इसका कुछ कनेक्शन है। वो मैं अभी नहीं बताऊंगी क्योंकि अभी हम कैपिटल घूमने जा रहे हैं ना, भुवनेश्वर स्मार्ट सिटी। ऐसे बोरिंग बात हिस्ट्री के बारे में करूंगी तो आप बोर हो जाओगे, इंटरेस्ट कम हो जाएगा। ये देखिए, ये रहा वो नदी जिसका डिटेल मैं आपको उस हिस्टोरिकल प्लेस के साथ ही बताऊंगी, तो आपको अच्छा लगेगा। तो अभी ये देखिए, फाइनली हम भुवनेश्वर में एंट्री किए। ये रहा उसका स्टार्टिंग पॉइंट, यहाँ से भुवनेश्वर स्टार्ट होता है, ओडिशा का कैपिटल। ये देखिए, बारिश की वजह से थोड़ा रास्ता गीला है, बारिश का मौसम है, बारिश ना हो ऐसे हो ही नहीं सकता ना। तो ये आ गया हमारा सिटी। बारिश के वजह से थोड़ा रास्ता ख़राब था, फिर ये शॉर्टकट रास्ता है ना, ये थोड़ा ज़्यादा ख़राब है, इसलिए ये आ गया भुवनेश्वर का लिंगराज टेम्पल, जो कि सिमिलर है जगन्नाथ टेम्पल के साथ, मतलब उसके टाइप का ही बनाया गया है। ये हाइट थोड़ा, डिज़ाइन में थोड़ा बहुत फ़र्क है, नहीं तो जगन्नाथ मंदिर के स्टाइल में ही ये बनाए हैं। एक्चुअली भुवनेश्वर में बहुत सारे मंदिर है, तो इसीलिए इसको मंदिरों मालिनी शहर भी बोला जाता है, क्योंकि बहुत सारे टेम्पल हैं यहाँ पे। जहाँ पे भी जाओ आप, 5-6 टेम्पल मिल ही जाएंगे ऐसे ही। और ये साइट में वेजिटेबल्स और फ्रूट्स वगैरह सेल कर रहे हैं। हम एक्चुअली इस रास्ते से इसीलिए आए क्योंकि अभी ऑफिस कॉलेज वगैरह छुट्टी होने का टाइम है ना, तो मेन रोड में बहुत भीड़ है,
इसीलिए हमने सोचा कि हम शॉर्टकट ले लें, तो हम इसीलिए इस रास्ते से चले आए। भुवनेश्वर का मेन मार्केट देखने के लिए मेरे साथ नेक्स्ट वीडियो में बने रहिए, उसमें मैं आपको मेन मार्केट घुमाऊंगी, मज़ा आएगा बहुत सारा। इसलिए मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।